राइडर, हम भूखे हैं। हाँ, लंच का समय हो गया। हमें खिलाओ, हमें खिलाओ, हमें खिलाओ, हमें खिलाओ। बिल्कुल दोस्तों, कोई बात नहीं, पिज्जा खाओगे? दरअसल मैं पिज्जा से थक चुका हूँ। ठीक है, क्या चिकन बर्गर खाओगे? हमने चिकन बर्गर पहले भी खाया था, हमें कुछ नया चाहिए। कुछ नया। हाँ, मेरे पास है, मुझे बस उसे तैयार करना है। हाँ, वो क्या है, हमें बताओ बताओ। ये एक रहस्य है, तुम्हें पता लग जाएगा। रहस्य। हमने ये कर लिया रबल। अरे यार, ऐसा लगता है पप्स को आज कुछ अलग चाहिए, तो चलिए इनके लिए सुशी बनाते हैं। मेलिसा एंड डॉग सुशी काउंटर के साथ। अलग अलग प्रकार के सुशी बनाने के लिए हम सुशी काउंटर मेन्यू के साथ चलेंगे। और अब हम फ्रिज से थोड़ा सा सामान निकालेंगे और बाकी सामान हमें सुशी काउंटर में मिलेगा। और जब ये बन जाएगा, हम चॉपस्टिक्स के इस्तेमाल से इसे उठाएंगे, जैसे लोग चाइनीज खाना खाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सुशी काउंटर के अंदर क्या है। हमारे पास है ये लकड़ी की ट्रे और एक मैट सुशी को घुमाने के लिए, और ये चाकू सबको बांट कर खिलाने के लिए। चलिए अब काउंटर के अंदर देखते हैं। इसमें तो बहुत सारा सामान दिख रहा है। इसमें है चावल और समुद्री शैवाल। तुमने सही सुना, सुशी के अंदर असली समुद्री शैवाल हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सुशी रोल बनाते हैं, या माकी। पहले हम टूना बनाएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे समुद्री शैवाल से। इसके तीन टुकड़े मैट पर बिछाएंगे। ये एक, दो, अब एक और, तीन। हम टूना रोल बना रहे हैं, इसके लिए हम फ्रिज से चावल और टूना निकालेंगे। ये रहे नीचे की तरफ हमारी टूना, या मागुरो। अब हमें टूना के तीन टुकड़े और चावल को समुद्री शैवाल पर रखना है। अब इस बांस के मैट को घुमाकर हम सुशी रोल तैयार करेंगे। वाह, है ना ये कितना मजेदार। हमने बनाया है मागुरो माकी, या टूना सुशी रोल। और अब हम इस चाकू से इसे तीन टुकड़ों में काटेंगे। और अब एक तरकीब, अब चॉपस्टिक्स के इस्तेमाल से इसे प्लेट में रखेंगे। चलो देखते हैं ये कैसे होता है। पहला वाला सही हो गया। अरे आ जाओ, ये लो दूसरा भी हो गया। आ जाओ। अरे यार, ठीक है अब मैंने पकड़ लिया। चलो अब अगली रेसिपी पर चलते हैं, और वो है खीरे के सुशी रोल। जैसे हमने टूना रोल बनाया था, तो इसे बनाने के लिए हम बांस के मैट पर रखेंगे तीन समुद्री शैवाल के टुकड़े, और हमें हरे भाग को नीचे की ओर रखना है, ताकि इसे घुमाने के बाद समुद्री शैवाल बाहर नजर आए। ये हो गए तीन। चलिए अब फ्रिज में से खीरे और चावल निकालते हैं। हाँ, वो रहे केक के साथ, और ये है खीरा, या कापा। अब हम इन तीनों को समुद्री शैवाल पर रखेंगे, और अब पहले की तरह इसे बांस के मैट पर घुमाएंगे। टन टन, हमारे सुशी रोल तैयार। ये खीरे का रोल, या कापा माकी। चलो अब इसे तीन टुकड़ों में काटेंगे। पहला कट और दूसरे कट से हो जाना चाहिए। और अब फिर से वही तरकीब, इसे चॉपस्टिक्स से उठाकर प्लेट में रखेंगे। अरे वाह, ये तो मैंने बहुत अच्छा कर दिया। ओ, पहले ही बोल दिया। ये हो गया। और अब आखिरी वाला। अरे ये मुझे करना आ गया। और अगली सुशी है कैलिफोर्निया रोल। आप देख सकती हो कि इसमें चावल समुद्री शैवाल के बाहर हैं, इसलिए ऐसा करने के लिए इसके चावल वाले भाग को नीचे की ओर रखेंगे, और ऐसा करने से ये बाहर की ओर दिखेंगे। क्योंकि ये कैलिफोर्निया रोल है, इसलिए ये अंदर से बाहर सुशी है। चलिए देखते हैं हमें फ्रिज में क्या मिलता है। जापानी लोग इस प्रकार की सुशी को उरामाकी कहते हैं। अब इन तीनों को चावलों के बेड में रखेंगे, और फिर इसे पहले जैसे घुमा देंगे। इस रोल के अलावा समुद्री शैवाल अंदर की ओर होती है। हमारा कैलिफोर्निया रोल तैयार है, या उरामाकी। चलिए अब चाकू के इस्तेमाल से इसे तीन भाग में बांट देंगे। ये हो गया, और ये रही प्लेट। जुप, जुप, जुप। और अब ये आई चॉपस्टिक्स। अरे ये तो प्लेट पर ही गिरा है। अरे नहीं, वो बहुत नजदीक था। ठीक है अब आखिरी। ठीक है अब बनाएंगे हैंड प्रेस सुशी, या निगिरी। और इसके लिए हमें बांस का मैट नहीं चाहिए, चलो इसलिए इसे हटा देंगे। अब हम चावल को यहाँ पर रख कर इससे हैंड प्रेस्ड सुशी बनाएंगे। और अब हम फ्रिज में से इसके ऊपर सजाने वाला सामान निकालेंगे।
पहले निकालेंगे झींगा या एबी और इसे सबसे पहले चावल पर रखेंगे। अब बारी है टूना की। हम जानते हैं कि ये मागरो है, इसे हम दूसरे चावल पर रखेंगे। हमारी तीसरी सामग्री है अंडा या तमागो और ये यहाँ जाएगी। और अब सैमन या साके और आखिर में साइमन रो या आइकुरा। अब ये आखिरी सामग्री चावल के पांचवें टुकड़े पर जाएगी। अब हमें टूना, अंडा और सैल्मन सुशी को समुद्री शैवाल से ढकना है। इसमें सैल्मन है, इसको हम माकी रोल से थोड़ा अलग ढकेंगे। ये थोड़े थोड़े गिफ्ट के जैसे लगते हैं। और अब है एग निगिरी और आखिर में हम ढकेंगे टूना को। हमें सैमन रो को भी ढकना होगा और इसको हम थोड़ा साइड से घुमाएंगे, ऊपर से नहीं। बढ़िया। और अब हमारी हैंड प्रेस सुशी तैयार है। हमने कई चीजें पप्स के लिए बनाई, चलो अब अपने लिए कुछ बनाते हैं। अब बनाएंगे हैंड रोल्ड सुशी या टमाकी। ये बहुत सुंदर है ना? टमाकी के लिए हमें समुद्री शैवाल का बड़ा मैट बिछाना होगा और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े चावल। और अब सब्जियां। सबसे पहले गाजर या निंजन, ये थोड़ी थोड़ी निंजा जैसी लगती है ना। अब हमारे पास है खीरा या कापा, जैसे कि हमने पहले सीखा था। और अब हम डालेंगे अवोकाडो या अवोकाडो। अब हमारे हैंड रोल्ड सुशी को चाहिए मीट। चलो इसमें थोड़ी टूना डालकर देखते हैं। अब इसे निचले दाहिने कोने से ऊपर की ओर मोड़ देंगे और अब ऊपरी बाएं कोने से इसे ढक देंगे। और अब ये तैयार है, चलो चख कर देखते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब सुशी की पेशकश बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलो तैयार हो जाओ मजेदार घुमावदार सुशी ट्रे के साथ। इसे बस चालू करना है। अब ये चालू है। सबसे पहले हम ट्रे में रखेंगे कापा माकी और फिर मागुरो माकी, हमारे कैलिफोर्निया रोल, साके, मागुरो, टोमागो, एबी और आइकोरा निगिरीज। और इसमें हम बहुत सी चीजें रख सकते हैं, जैसे ये मुसुबी चेहरे के आकार में। ये सुशी स्पैम है, इसमें मछली नहीं है। और ये है झींगा या एबी और थोड़ी रंगीन सुशी, नारंगी, लाल और पीली। और अब समय हो गया पप्स को न्योता देने का। आ जाओ पप्स, भोजन तैयार है। ओ, मुझसे और इंतजार नहीं हो सकता। हाँ राइडर, ये क्या है? वाह, ये बहुत सुंदर है। ये जापानी पकवान है सुशी और यहाँ चॉपस्टिक्स से आप इसे ले सकते हैं। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ और क्या लूँ। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। मैं ये लूंगी। आ जाओ। अरे यार, ये वाला अब सब खाओ। ये काम नहीं कर रहा। दोस्तों, मेरी चॉपस्टिक्स टूट गई। रबल, सिर्फ मुझे देखो। देखो, यहाँ आसान है। या मैं ऐसा कर सकता हूँ। उफ रबल, इस तरह नहीं। अरे, ये काम करता है तो करेगा। ठीक है, लगता है सब ने अपनी अपनी प्लेट में सुशी रख ली। चलिए आप सब लोग टेबल के पास बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। ठीक है, सुनकर अच्छा लगा। ये लो मार्शल, ध्यान से, गर्म है। धन्यवाद राइडर। ये लो स्काय, तुम भी लो। राइडर, तुम बहुत अच्छे हो। चेज, मैं तुम्हें नहीं भूला। क्या बात है, धन्यवाद राइडर। और ये लो रबल, तुम्हारे लिए। अरे बाप रे, तुमने कितनी सारी सुशी ले ली। अरे मैं तो बढ़ता हुआ बच्चा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूँ। अगर आप भूखे हो तो भूखे हो। राइडर, क्या इसे खाने के लिए भी चॉपस्टिक्स की जरूरत है? बच्चों, हम अपने घर में हैं, जैसे मर्जी खाओ। खा सकते हैं। मजेदार। ये मुझे भी अच्छा लगा। और ये चाय भी लाजवाब है। रबल, तुम क्या कर रहे हो? व्यस्त हूँ खाने में। इसका मतलब तुम्हें अच्छा लगा। देखा, भोजन को मजेदार बनाकर खाने में कितना मजा आता है। हाँ बिल्कुल। क्या हम कल सुशी पिज्जा खा सकते हैं? ठीक है रबल, पर तुम बनाओगे? शर्त मंजूर। क्या? मैं मैकडोनल्ड में खाऊंगा।